हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आज की जो ड्रेपिंग वीडियो है वो स्टार्ट होने वाली है इसकी सबसे डिफिकल्ट पार्ट से, जो कि है हमारा शोल्डर प्लीट्स। शोल्डर प्लीट्स बनाने में अगर आपको भी डिफिकल्टी फील होती है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले तो हम अपनी पल्लू को दोनों ही साइड को इस तरीके से पकड़ लेंगे और उसके बाद इसका जो सबसे ऊपर वाला बॉर्डर रहेगा ना, उसका कॉर्नर को हमें दो हाथों से थोड़ा सा बीच में गैप देते हुए पकड़ना है। अब हम अपनी राइट हैंड को थोड़ा सा झटकेंगे और फैब्रिक पीछे की तरफ करते हुए उस पॉइंट को पकड़ेंगे जहाँ पर हमने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में बता रही हूँ तो सॉरी टू से, ये वीडियोज़ ना बहुत सारे बिगनर्स भी देखते हैं जिनको प्लीट बनाना नहीं आता, और मेरा कोशिश बस यही है कि मैं उन लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ ताकि वीडियो देखने का उनको कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिले। तो इसी तरीके से करते हुए ना आपको एंड तक पहुँचना है। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का लगता है कि हमें अपने हाथों को कितना फैलाना है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो ये पूरी की पूरी आपके अनुमान पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा गैप पकड़ा हुआ है ना, तो आपको वो पता चल जाएगा। जैसे आप फर्स्ट प्लीट बनाओगे ना, तो सेकंड प्लीट के लिए आपको कितना फैब्रिक कितनी दूर पे पकड़नी है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और अगर नहीं भी पता चलता है तो फैब्रिक जब आप झटके से मोड़ते हो ना, तो अगर कॉर्नर वाला हिस्सा कुछ फर्स्ट प्लीट से ज़्यादा भाग रहा है तो फिर आप अगली बार से अपने हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ पकड़िएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से अपने प्लीट बना सकते हो। लास्ट वाली प्लीट बनाने में अगर डिफ़िकल्टी होती है तो आप लास्ट वाली प्लीट को लास्ट का फर्स्ट और सेकेंड प्लीट को बराबर कर सकती हैं। अब जब आपने प्लीट पकड़ ही लिया है तो ऊपर वाले हिस्से को किसी चीज़ से आप दबा दीजिए और फिर नीचे के जो पार्ट्स हैं उनको धीरे धीरे करके गैदर करना शुरू कीजिए। अब यहाँ पे भी मैं ना अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो प्लीट्स हमने बनाए हैं वो कहीं खुल ना जाए या फिर वापस से दोबारा मेहनत ना करना पड़े, उसके लिए मैंने बीच बीच में क्लिप लगा रखा है। अब देखिए प्लीट्स तो यहाँ पर बन गई। अब साड़ी पहनते हुए अगर आपको आयरन करना पसंद है तो फिर आप आयरन को प्लग इन कीजिए, फिर कुछ टाइम वेट कीजिए और फिर उसको आयरन करना शुरू कीजिए। अब इतना सारा टाइम कौन वेस्ट करे, राइट। तो आप कुछ ये वाले तरीके यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपकी प्लीट्स को आयरन भी नहीं करना पड़ेगा लेकिन रिज़ल्ट आपको बिल्कुल आयरन किए जैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे प्लीट्स हमारे गैदर हो गए हैं, तो अब चलिए हम अपनी बेसिक राउंड से इसको स्टार्ट करते हैं टक करना, क्योंकि अब इसको ब्लाउज़ के साथ हमें कैसे फिक्स करना है वो भी तो सीखना है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको टक करते हैं, और मैंने यहाँ पे शेफियर वाली पेटीकोट पहनी हुई है क्योंकि ऐसे कॉटन सिल्क वाली साड़ियों में ना अगर आपको स्लिम दिखना है, बिल्कुल अट्रैक्टिव लगना है, सेक्सी लगना है, तो उसके लिए आप शेफियर वाली पेटीकोट ज़रूर ट्राई कीजिए। हर एक वुमेन के पास जो साड़ी पहनती है उनके पास एक ना एक शेफियर तो ज़रूर होनी चाहिए। साड़ी अगर आपकी गाढ़ी कलर की है तो आप उसके ऊपर, आप उसके नीचे कोई सा भी कलर आप पेटीकोट की में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी कलर का पेटीकोट ले लो पर एक ज़रूर रखो अपने पास। अब यहाँ पर ना हमें देखो इस तरीके से इसको घुमा कर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डालना है। लेफ़्ट साइड आपका वही साइड है जहाँ पे आपकी दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। तो ये मेरा ना बहुत ही आसान सा तरीका होता है अपनी लेफ़्ट और राइट में ज़्यादा कंफ्यूज ना होने वाला वो तरीका। तो इसमें देखिए हमें अपने ब्लाउज़ में ना कुछ इस तरीके से पिन लगाना है। पिन हमें अपने शोल्डर के थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाना है। और अब आपको अगर चाहिए बिल्कुल परफेक्टली हल्का सा लो नेक वाला शोल्डर प्लीट, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना आगे की तरफ भी एक छोटा वाला सेफ्टी पिन लगाना होगा। तो आप कितने भी प्रो क्यों ना हो, सेफ्टी पिन जहाँ पे लगाने हैं वहाँ पे आप किसी भी चीज़ से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। सेफ्टी पिन आपकी सेफ्टी के लिए ही होती है, और साड़ी में जहाँ कहीं भी आपको नीड पड़ रही है पिन की तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि सेफ्टी पिन आपकी साड़ी को संभाले रखने में बहुत मददगार होता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर जगह हर एक स्टेप में ही हम पिन यूज़ करते चलें, तो इसीलिए आप जब पिन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हो रही है केवल वहीं पे यूज़ कीजिए। अब जैसे कि हमारा ये कमर वाला पोर्शन है, तो कमर वाले पोर्शन को ना हम अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पे कुछ देर के लिए पिन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हम अपनी आगे की स्टेप में बढ़ेंगे और यहाँ पे हम अपनी सेंटर प्लीट बनाएंगे। सेंटर प्लीट मैं अपनी लेफ़्ट साइड से ही बनाना शुरू करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि प्लीट्स आखिर
कितने चौड़े बनाने चाहिए या फिर प्लीट्स बनाने कैसे चाहिए। तो आप ना इसमें आप अपनी फुल बॉडी का सपोर्ट ले सकते हो, अपनी टमी का सपोर्ट ले सकते हो, फिंगर्स को इस तरीके से आप रख सकते हो कि आपकी प्लीट की चौड़ाई बिल्कुल मेंटेन होती चली जाए। और उसके बाद जब पूरे प्लीट्स बन जाएं तो लास्ट वाला प्लीट उठाने के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए और लास्ट वाले प्लीट को हर प्लीट की तुलना में ज़्यादा चौड़ा रखिए। तो जब मैं प्लीट गैदर कर रही थी ना, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्लीट्स के बीच में जो गैपिंग थी वो मैंने पहले से ही मेंटेन करके मैं चल रही थी। तो एक बार आप फिर से उसको ध्यान दे लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने प्लीट अरेंज किया है। सॉरी, मैंने उस टाइम मैंने बातों बातों के साथ मैं भूल गई थी आप लोगों को वो चीज़ हाईलाइट करना, बट आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है ना कि पूरी प्लीट को सेफ्टी पिन में सिक्योर करके और इसको इसकी लास्ट बॉर्डर तक सेट करना है। तो पहले तो बीच में हम एक जगह कहीं पे भी प्लीट को पकड़ लेंगे और उसके बाद सभी प्लीट्स को हम अपनी लेफ्ट हैंड के साइड पे घुमाते हुए इसको इस तरीके से अरेंज करना शुरू करेंगे। तो इससे होता ये है कि ऊपर से नीचे तक वाली जो प्लीट होती हैं उनमें ना तो कोई ज़्यादा पकड़ में आती ना ही कोई कम, बिल्कुल एक बराबर सभी प्लीट्स आ जाती हैं ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद हमें अपने हाथों को फोर्सफुली इसको प्रेस करना है ऊपर से नीचे तक, ताकि जितने भी प्लीट्स रहें वो इनकी नीचे वाली बॉर्डर में अच्छे से बैठ जाएं। क्योंकि आपका होल जो साड़ी लुक होता है ना, वो आपकी सेंटर प्लीट काफ़ी ज़्यादा ही हाईली यहाँ पे ना डिसाइड करती है कि आपकी पूरी ड्रेपिंग किस तरीके से कंप्लीट हुई है। तो इसीलिए सेंटर प्लीट को आप जितना अच्छा से अच्छा बना सको आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर हम अपनी सभी प्लीट को एक बार फिर से गैपिंग जो है वो एक बार देख लेंगे और उसके बाद ही इसको बाद में टक करेंगे। नीचे की जो बेसिक राउंड है हमारी, उस बेसिक राउंड से हम एक बार मैच कर लेंगे और फिर जितना हमारी पेटीकोट के ऊपर जा रहा है हिस्सा उसको हम टक कर देंगे। अब हमने जो कमर वाली जो बॉर्डर थी उसको सेट करने के लिए पिन लगाया था, उस पिन को रिमूव करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ से पहले तो हम पिन को रिमूव करेंगे और रिमूव करने से पहले जो मैंने अभी अभी अपनी फ्रंट प्लीट का एक लेयर हटाया है वो लेयर आपको हटाना होगा, ताकि यहाँ से जो फैब्रिक हमारा जाएगा उसको हम उधर की साइड से, मीन्स राइट की साइड से बाहर निकाल सकें। तो देखिए मैंने पिन यहाँ पर रिमूव कर लिया है। उसके बाद अब हमें अपनी ये वाली साइड को थोड़ा सा टाइट करते हुए, ज़्यादा भी टाइट मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपके फिर उठने बैठने में और थोड़ा सा ना आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, तो इसीलिए ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा। उतना ही टाइट कीजिए जितना में आपका ये वाला एरिया क्लीन हो जाए, मीन्स कमर वाला पोर्शन जो रहे वो बस क्लीन होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार में पहले तो हम फैब्रिक खींचेंगे और उसके बाद इसको ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। ट्विस्ट हम जैसे करते हैं ना वैसे ही पतली पतली लाइंस में प्लीटें बननी शुरू हो जाती हैं और ये प्लीट्स ना आपकी हिप प्लीट्स में आती हैं, जो कि बहुत 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 खूबसूरत लगती है। तो इसको ज़्यादा भी ट्विस्ट मत कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत खूबसूरत लगने के चक्कर में हम अपनी पूरी इंटायर लुक ही बिगाड़ लें, तो इसीलिए बस उतना ही ट्विस्ट कीजिएगा जितने में आपके लिए वो कम्फर्टेबल रहे। अब यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट ड्रेपिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल टच हम इसको दे देंगे, जहाँ कहीं भी प्लीट्स जो हैं वो हमें परफेक्ट नहीं लग रही है उसको हम परफेक्ट दिखाने के लिए उसको सेट करेंगे। और अब इसके साथ आप चाहो तो कोई सी भी वेस्ट चेन कैरी कर सकते हो। इसमें अब अननेसेसरी जहाँ कहीं भी जो भी क्लिप्स लगे हुए हैं हम उसको रिमूव कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे अपना फाइनल लुक देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपकी फ़ाइनल लुक आएगी। और इसमें और भी अगर आप अट्रैक्टिव टच देना चाहते हो तो अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी, वेस्ट चेन आप कैरी कर लीजिए। अब देखिए हम इंडिया से बिलोंग करते हैं ना, तो हर किसी को ड्रेपिंग तो आनी चाहिए, यह हमारा मुख्य परिधान होता है जो कि हर किसी को पहनना आना चाहिए। तो अगर आज की ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।